हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन के एसी कोच में हमें दो बेडशीट क्यों दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब भी आप कभी ट्रेन के एसी कोच में सफर करते होंगे तब आपको रेलवे की तरफ से दो बेडशीट और एक ब्लैंकेट दिया जाता है। बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन होती है कि हमें दो बेडशीट किस लिए दिया गया है। अगर हम कॉमन सी बात करें तो एक बेडशीट बिछाने के लिए होता है और दूसरा बेडशीट नीचे से ओढ़ने के लिए होता है, जिससे कि ब्लैंकेट की रेस से हमारे शरीर पर चुभे ना। ये तो सही बात है, पर इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि एसी कोच में टेम्परेचर 17 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। दोस्तों, हीट की यह प्रॉपर्टीज होती है कि वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाते हैं। क्योंकि सीट लेदर के बने होते हैं, इसलिए एसी की कूलिंग से वह भी ठंडा हो जाता है। तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर सीट के टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे हमें और भी ठंडी लगने लगेगी। इस ठंडी को रोकने के लिए चादर बिछाकर आइसोलेट किया जाता है ताकि हीट का ट्रांसफर ना हो और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। दोस्तों, यह एक छोटी सी जानकारी थी जिससे आप सभी को पता होना जरूरी था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।